बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नां दे उत्ते आमीन। सारे दोस्तों नूं जय यीशु मसीह दी। प्यारे दोस्तों आओ असीं अज प्रभु दे वचन दे उत्ते ध्यान करिए। अज दा पहला पाठ मीका नबी दी पुस्तक उस दा 6वां अध्याय 1 तों 4 6 तों 8 अज दी अंजील मत्ती दी उस दा 12वां अध्याय 38 तों 42 आयत तक। प्यारे दोस्तों अज दी अंजील दे विच असीं सुनिया है कि फरीसी अते सदूकी लोग यीशु तो कोलों चमत्कार की मांग करते। हुण मैं तुहाडा ध्यान एक विचार वल लैके जाना चाहुंदा कि तुसी विश्वास करके चमत्कार देखना चाहुंदे हो या चमत्कार वेख के विश्वास करते। दो गल्लां ने। फरीसी लोग चमत्कार वेखना चाहते सी फिर प्रभु दे उत्ते विश्वास करना चाहते सी। असी यूहन्ना दी अंजील उहदा 20 अध्याय उहदी 29 आयत दे विच पढ़दे हाँ कि थोमा रसूल चेलियां नूं कहिंदा है कि मैं जिन्नी देर तक प्रभु दे हत्थां दे विच किल्लां वाले निशान जख्मां दे विच उंगल ना पा लवां मैं विश्वास नहीं करांगा। जिन्नी देर मैं अपनी उंगली उहदी वक्खी विच ना पावां विश्वास नहीं करांगा। जदों प्रभु ने उहनूं दर्शन दित्ते ते उसनूं आख्या कि अपना हाथ अगे वधा के शक ना कर विश्वास कर। ते थोमा ने की आख्या सीगा मेरे प्रभु मेरे खुदा। अते प्रभु ने उसनू आख्या तू इसलिए विश्वास किया कि तू मैनू वेख लिया। धन हन वो लोग जो बिना देखे ही मेरे उत्ते विश्वास करते। हाँ प्यारियो विश्वास की परिभाषा असी इबरानिया दे नाम जो खत है 11वां अध्याय दी 1 आयत विच पढ़ते हाँ कि ईमान साड़ी उम्मीद नू पक्कियां करता है सानू उन्हां चीज़ां दे सबूत दिंदा है जिन्हां नू असी देख नहीं सकते। चमत्कार ते असी देखते हाँ। साड़ा जो ईमान है वह चमत्कारां तक सीमित नहीं होना चाहिए है। मान लो कि तुहाड़ी जिंदगी दे विच चमत्कार हो गया है ते तुसी विश्वास कर लिया दोबारा तुहाड़ी जीवन विच प्रभु की मर्जी दे नाल कोई दुख तकलीफ आ गई है परेशानी आ गई तो इहदा मतलब कि तुसी डावांडोल हो जाओ। साडा ईमान पक्का होना चाहिए है प्रभु दे उत्ते। साडा ईमान पक्का होना चाहिए है। असी विश्वास करके अपने जीवन दे विच चमत्कारां नूं देखना है ना कि चमत्कार देख के विश्वास करना है। गलत है। इस करके प्यारे भराओ ते भैणों असी इस चीज़ नूं दिमाग दे विच रखिए अते अज दे पहले पाठ दे विच मीका नबी दी पुस्तक दे विच प्रभु दा जो वचन सानूं इह संदेश दिंदा है कि उठो अते अपनी अरजां ते मिंतां नूं प्रभु दे अगे पेश करो। कि असी अपनी अरजां ते मिंतां नूं प्रभु दे अगे पेश करिए इहो ही प्रार्थना करिए कि प्रभु साडे ईमान नूं मजबूत करो सानूं ईमान विच पक्कियां रहण दे लई होर ज़्यादा फजल दे। ते प्यारियो अज पाकमा कलीसिया संत अपोलिनारिस दी ईद मनाउंदी है जिसनूं संत पतरस ने बिशप होण दा रुतबा दित्ता अते उसने ईमान की खातर अपनी जान तक वार दी। प्रभु दे लई उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिता। क्या असीं अज उस संत की भी सिफारिश मंगी है कि प्रभु उस संत की सिफारिश के राही सानू ईमान विच पक्या रहन दा फजल दे। अखां नू बंद करो हत्थां नू जोड़ो दुआ करिए। प्यारे खुदावंद अज्ज दे वचन दे लई असीं तेरा धन्नवाद करते हैं। हे प्रभु जिन्हें भी अज्ज वचन सुन रहे हैं सब नू ईमान विच पक्या रहन दे लई शक्ति देना। हे प्रभु चमत्कारां दे पिछे भज्जन दे लई सानू ना जान देना सगों ईमान दे विकार कारण जिंदगी बचाउण वालियां सब दुखां परेशानियां नूं सहन करन दी शक्ति देना। मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह दे राहीं आमीन।